अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज उमेर जावेद। हम चैप्टर 18 डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम जो कंटेंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या और फिर उनकी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को समझने से पहले हमें स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई को समझना होगा। ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं जिनमें से रेडिएशन नेचुरली खारिज ना हो। न्यूक्लियाई विच डू नॉट इमिट रेडिएशन नेचुरली आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। अब ये क्यों रेडिएशन खारिज नहीं करते? क्योंकि इनके न्यूक्लियस के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन्स की तादाद वो 82 से लेस होती है। जी एटॉमिक नंबर है। ऑल दोज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल हुज एटॉमिक नंबर इज 1 to 82 से ज्यादा नहीं, उससे कम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये स्टेबल है। ये कुदरती तौर पर रेडिएशन को इमिट नहीं करते क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 82 से लेस होता है। और इसके उलट अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ऑल दोस न्यूक्लियाई विच इमिट रेडिएशन नेचुरली वो क्या कहलाते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। और इनकी क्या खसूसियत है? इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो ग्रेटर देन 82 होता है। हैविंग एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 82, ऐसे एलिमेंट्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल हो गया। अब जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उनको आर्टिफिशियली अनस्टेबल बनाया जा सकता है। स्टेबल एलिमेंट्स को अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट से उनको हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वो आर्टिफिशियली रेडिएशन खारिज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनको आर्टिफिशियली न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट से अनस्टेबल बनाया जाए वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाते हैं। ये जो रेडियो आइसोटोप लिखा हुआ है ये दरअसल वो आइसोटोप है जिनको आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाया जाता है, आर्टिफिशियल। स्टेबल एलिमेंट्स ऑल्सो कैन बी चेंज्ड इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बाय बम्बार्डमेंट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। अब इनकी एग्जांपल अगर आप देखें, ये सोडियम का एटम है जो कि स्टेबल है। जब इस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है तो ये गैमा रेस खारिज करता है, यानी कि आर्टिफिशियली हमने इसको चेंज कर दिया, इसको मजबूर किया ये रेडिएशन खारिज करे। तो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से सोडियम का जो न्यूक्लियाई है जो इनिशियल स्टेबल था वो अनस्टेबल हो गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है वो हीलियम है। हीलियम अल्फा पार्टिकल कहलाता है। अल्फा और हीलियम एक ही बात है। जब एल्यूमिनियम के ऊपर हीलियम बम्बार्ड किया जाता है तो आर्टिफिशियली एनर्जी उसको ट्रांसफर की जाती है। तो एल्यूमिनियम किसके अंदर चेंज होगा? जाहिर है एल्यूमिनियम स्टेबल था, एल्यूमिनियम स्टेबल था और फिर वो किसमें चेंज हो जाएगा? रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के अंदर। शुक्रिया।